सभी को नमस्कार। एक हुकार वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूँ तहे दिल से। तो कैसे आप सभी, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, तबीयत आपकी बिल्कुल ठीक होगी। तो स्टार्टिंग करते हैं आज के फिर एक सेशन के साथ। एक नया राइटर को लेंगे, एक नए पोइटेस को लेंगे। किसका है आज नंबर देखते हैं बेटा। एक बार जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं, फिर कंटिन्यू क्लियर करते हैं। चलिए जी, फटाफट जल्दी से आ जाए एक बार सभी बच्चे, फिर कंटिन्यू करते हैं यहां से। एडुपत एक बार शेयर कर लेते हैं। चलो साहब, चलो बहुत बढ़िया बात है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि आज ये कमेंट्स अपने इसी क्लास के क्या स्ट्रगल लाइफ गुड आफ्टरनून। बिल्कुल बिल्कुल सही है रेखा जी, यहां से चंदा जाट। चले बच्चे, गौरवित राजपूत जी बिल्कुल बिल्कुल इसी क्लास के। सर इतने लेट कैसे हो गए आप? बेटा आज आने में थोड़ा लेट हो गए, इसलिए जल्दी से एक बार आप क्लास को शेयर कर दें और फिर कंटिन्यू आ जाए, फिर हम स्टार्टिंग करते हैं आज के सेशन की, नए सेशन की। ठीक है, बात समझ में आ गई। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आज के सेशन की। आज हम जिस राइटर को लेने वाले हैं दैट इज तोरुदत्त। तोरुदत्त को आज हम पढ़ेंगे। तोरुदत्त क्या है और क्या इनका कार्यकाल रहा है, क्या इनके क्रिएशंस रही हैं, सबसे ज्यादा इन्होंने क्या लिखा है, किसके ऊपर इन्होंने काम किया है, तो उन सभी बातों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक चीज बिठा ले कि तोरुदत्त एक ऐसा नाम है जो इंडियन जो राइटर है, इंडियन राइटर के अंदर या इंडियन जितने भी राइटर्स हुए हैं उनके अंदर एक बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करने वाली महिला ये हैं। और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी है, जैसा कि हम आप देख सकते हैं 10th 12th की बुक में भी एक द लोटस के नाम से इनका एक पोइम चलता है द लोटस, उसमें इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है। और केजरोना टी कहाँ रह गए थे आज? जी हाँ बिल्कुल, केजरोना टी इन्होंने एक लिखा है, एक क्रिएशन लिखी है, एक जबरदस्त क्रिएशन लिखी है। ये क्या थी सबसे पहले? जी बिल्कुल, क्लास नहीं होती हो रही क्या? वो तो रही है प्रियंका जी, क्लास एक बार आप रिफ्रेश करें आप, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्लास हो रही है। इनकी बहुत ही कम उम्र में इन्होंने, उस उम्र में जब लोग बाग अपना मोबाइल नहीं छोड़ते, उस उम्र में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज लिखी है, उसी उम्र में इन्होंने बहुत अच्छी चीज लिखी है। और ये तीन थे, दो इनकी, एक आरुदत्त थी, एक अजू यहाँ पर एक भाई का इन नाम से जाना जाता था, एक ये थी। ये सबसे यंगेस्ट थी, सबसे छोटी थी। ये ट्रांसलेट करती थी चीजों को फ्रेंच लैंग्वेज में भी और बंगाली लैंग्वेज में भी, ये ट्रांसलेट इंग्लिश लैंग्वेज में भी ये ट्रांसलेट किया करती थी। बंगाल की ये थी, बंगाल के अंदर जन्मी पर बड़ी हुई, तो इसे बंगाली तो आती थी इनको। और इन्होंने फ्रेंच के अंदर भी कई सारे ट्रांसलेशन किए, कई सारे ट्रांसलेशन इन्होंने इंग्लिश में किए। ये 4 साल ये यूरोप में रहे, और यूरोप में भी अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने 1 साल अलग जगह पे रहे और 3 साल अलग जगह पे रहे। तो ऐसी कई सारी चीजें जो इन्होंने लिखा है, उसके बाद इन्होंने कुछ ना कुछ लिखना शुरू किया। स्क्रीन चेंज करो सिंह सर जी, स्क्रीन चेंज काय बात की करे बेटा, सही तो है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की क्लास, ग्रेड फर्स्ट की, दिव्या कंवर जी एक बार पढ़ तो ले अपन, फिर कंप्लीट करेंगे। पहले तो सेकंड ग्रेड में 100 स्टूडेंट्स के बारे में सोचो, वरना ये नहीं हो पाएगा। बच्चे कब से मैं क्लासेस ले रहा हूँ, आपका कुछ रेस्पॉन्स ही नजर नहीं आता, जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको फिर भी कुछ नहीं। आप पेड कोर्स लेकर देखो, पब्लिक ना बेवकूफ बनाने जैसा काम कर लेगी, तो भी कुछ पार नहीं पड़ रही। यहाँ पर आपको फ्री में एक एक राइटर को पढ़ाया जा रहा हूँ। दूसरी बात, बुक सबके पास पहुंच गई होगी, एक बार बता दे किस किस ने बुक परचेज कर ली, क्योंकि उस बुक का कंप्लीट कोर्स में करवाऊंगा तो उसके अंदर आपके पास बुक का होना ज्यादा जरूरी है। तो पहले ये बताए कि बुक किस किस के पास नहीं है। जिसके पास बुक है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं है वो जल्दी से कर ले। अब यहां से हम जिस राइटर को हम पढ़ने वाले हैं दैट इज तोरुदत्त। ठीक है, यहां से तोरुदत्त यहां पर हम पढ़ेंगे आज, तोरुदत्त हम यहां से पढ़ने वाले हैं। बताइए, आपने जॉन किट्स का नाम सुना होगा, जॉन किट्स का आपने नाम सुना होगा जी। सुरेंद्र जी, चैनल बदलने से आपको लॉस होता है सर जी? बेटा चैनल बदलने से लॉस होता है, लेकिन चैनल बदले थोड़े थे बदलवाए जाते हैं, चैनल बदला थोड़ी जाता है, चैनल बदलवाए जाते हैं, हम थोड़े ना बदलते हैं, बदल दिया जाता है, क्योंकि दूसरों के यहां काम करेंगे तो बेटा कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज, जब अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा काम करते हैं, ऑनेस्टली काम करते हैं, तो दब के काम नहीं होता ना बेटा। आप कोई कहे कि यहाँ बैठ जाओ तो वहां बैठा थोड़ी जाएगा, कोई कहे खड़े हो जाओ तो खड़ा थोड़ी होना जाएगा,
जब अपना टैलेंट अपने साथ है, हम मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ, तो क्यों ऐसा करेंगे बेटा। अपमान को अगर कोई सहता है या फिर गलत हुई चीजों को कोई देखता है, वो भी एक गलत आदमी होता है। तो जी बिल्कुल, जिस तरह से दिव्या कंवर का मेरे पास आंसर आया किड्स डाइट शॉर्टली, सेम वैसे ही आपको ये बात ध्यान रखना है कि जैसे जॉन किड्स थे, जॉन किड्स मात्र 26 इयर्स में बहुत ही कम उम्र में वो मर गए थे, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी। तो वैसे यहाँ पर भी तौरु दत्त भी उनमें से ही है कि जिनकी डेथ बहुत ही जल्दी हो गई थी। जी हाँ, बहुत ही जल्दी हो गई थी। सर सेकंड भी ग्रामर की क्लास बंद कर दी है क्या? कैसे कर दी? 9 to 10 ग्रामर की क्लास चलती है, आप डेली आते तो है नहीं, और बुक ले लीजिए। जिसके यहाँ पर बुक का मैंने एक इवेंट कराया कि ऑर्डर कैसे करेंगे, ये इसमें आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को शांति से देख ले, आपने देख लिया होगा। ग्रेड सेकंड की बुक सबके पास होनी चाहिए, और आप जहाँ के उसके पूर है, जो जो भी इंग्लिश के बंदे उन सबके पास वो बुक होनी चाहिए। जयपुर में हर जगह जहां पर भी आपको मिल जाए वहां से ले लीजिए। नहीं मिलती है तो मैंने एक इवेंट किया है, उस इवेंट में मैंने बताया था कि वो बुक आप तक कैसे पहुंच सकती है, तो आप उस हिसाब से ले लें, उस हिसाब से आप ले लें। ये बात मैंने आपको पहले बता रखी है अच्छे तरीके से। बात समझ में आ गई भाई यहां पर? बहुत अच्छी बात है, शाबाश। चलिए, कर रहे क्या, बात समझ में आ गई? हाँ जी विजय जी, बहुत बढ़िया सर। हमारे तारानगर चूरू बांद्रा हनुमानगढ़ में नहीं पहुंची है सर जी। अरे भाई पहुंच गई यार, और जिसकी भी जिसके पास नहीं पहुंची है, देखो एक बार आप भी सुन ले, वो बुक लगभग आपको 300 रुपीज की पड़ेगी आप वहां से लेते हैं तो, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप 300 रुपीज तो यहाँ पर है, लेकिन आपको 60 रुपीज का जो यहाँ से स्पीड पोस्ट किया जाएगा उसका चार्ज पे करना होगा। तो ये आपकी बुक ऑनलाइन 360 रुपए की पड़ेगी, ठीक है। तो जहां पर अगर किसी को मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, वहां से ले ले, ठीक है। नहीं मिल पा रही है तो आप इस नंबर के ऊपर आप फोन पे, गूगल पे या फिर आप पेटीएम, इनमें से कोई सा भी 360 रुपए का पेमेंट कर दे। पेमेंट करने के बाद में इसी व्हाट्सएप के ऊपर आप उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दे और सर से बात कर ले, जो टीम है वो आपसे बात कर लेगी और आपके वहां पर बुक पहुंचा देगी, आपके वहां पर बुक पहुंचा देगी। अगर आपको वहां से मिलती है तो अच्छी बात है, यहां से मिलती हो तो ये आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज होगा, जो आपका स्पीड पोस्ट का चार्ज होगा। तो उस हिसाब से आपको जो ऑप्शन ठीक लगे वो ऑप्शन कर ले, इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। इस नंबर के ऊपर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी आप कर सके वो करके स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप इसी नंबर पे सेंड कर देना। तो जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, यहाँ की टीम आपसे आगे से ही बात कर लेगी और आपके पास बुक पहुंचा देगी। बात समझ में आ गई? आने वाले 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 1 वीक के अंदर लगभग लगभग सबके पास अब बुक होनी चाहिए, ठीक है। चलो जी, अभी अवेलेबल नहीं है तो बात समझ में आ गई। इसको हटा देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले ले एक बार इसका, आप अच्छे से ले लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुने, जो तौरु दत्त थी वो तौरु दत्त भी जॉन किड्स की जैसे ही थी, है ना। जॉन किड्स की सर ग्रामर एंड लिटरेचर की है क्या बुक? दोनों की है बेटा, इसके अंदर ग्रामर भी है, लिटरेचर भी है, टीचिंग मेथड भी है, कंप्लीट है इसके अंदर, आपको मैंने बता दिया था यहां से, ठीक है। स्टार्टिंग करें अब यहां से, देखें तौरु दत्त, तो यहां पर मैंने एक बात लिखी है, जो तौरु दत्त थी, तौरु दत्त बंगाली थी, वॉज ए बंगाली ट्रांसलेटर एंड पॉइंट। देखना यहां पर ट्रांसलेटर थी, ट्रांसलेटर का मतलब क्या है, ये एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में क्रिएशन को ट्रांसलेट किया करती थी, ठीक है। हाँ जी, एक बुक में सब कुछ है। इसके बाद यहां पर सी रॉट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच दोनों के अंदर इन्होंने लिखा है, दोनों के अंदर इन्होंने लिखा है। दूसरी बात बात करूं तो इनके जो पेरेंट्स थे वो पेरेंट्स भी राइटर्स थे। इनका जो फादर थे रॉट पोइम्स, उन्होंने पोइम्स लिखी, और जो मदर थी वो ट्रांसलेटर भी थी, ट्रांसलेटर भी थी। एंड हर अंकल वॉज ऑल्सो ए राइटर, सारे खानदानी राइटर था इनका, सारा खानदानी क्या था इनका, राइटर था। बात समझ में आ गई यहां तक की? हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है।
तो यहाँ तक कि आपके अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, एक बार जल्दी से कमेंट कर दे अपने, फिर कंटिन्यू करेंगे हम। बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं अपन इनके बर्थ की। तो इनका बर्थ कहां हुआ था, ध्यान दे, 4 मार्च 1856 में इनका जन्म हुआ था। पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात एक ध्यान रखनी है, मानिक, क्या बेटा, मानिक, मानिक टोला स्ट्रीट, ये लीजिए मानिक टोला स्ट्रीट, और यहां पर मैं लिख देता हूं राम बगान, क्या लिखा, राम बगान कोलकाता बंगाल, ब्रिटिश इंडिया की बात है, ब्रिटिश इंडिया की ये बात है। तो यहां से आपको एक बात समझनी है, कौन सी बात समझनी है, कि इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म इनका 4 मार्च 1856 में हुआ था, और 12 मानिक टोला स्ट्रीट राम बगान कलकत्ता बंगाल में हुआ था, जब ये ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश इंडिया का मतलब जब हमारा देश क्या था, गुलाम था, जबकि ये बात है जब हमारी हमारा देश क्या था बच्चे, गुलाम था, ये जब की बात है। तो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, 4 मार्च 1856 यहां से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब यहीं से आपको एक और बात अपने दिमाग में लानी पड़ेगी, ध्यान दे इधर, इनकी अगर डेथ की मैं बात करूं तो यहां पर ध्यान से देख ले, इनकी जो डेथ हुई थी, डाइड 30 अगस्त 1887, इसको she was only 21 years old, मात्र जब ये 21 साल की थी तब इनकी डेथ हो गई थी। मात्र कितने साल की थी, 21 साल की थी तब इनकी डेथ हो गई थी, 1877 में इनका डेथ हो गया था। जी हाँ, 1977 कहां से आ रहा है भैया डाटा, वेदिका दीक्षित जी ये कहां से डाटा ले रहे हैं आप, 1977 एट द एज ऑफ 20, 1977 में डेथ होगी तो फिर इनकी 21 साल की उम्र होगी क्या, ठीक है। तो यहां पर यह बात आपको समझनी होगी, थर्टी अगस्त 1877 21 ईयर्स ओल्ड। इसके बाद फिर देख ले, चलिए रेडी कम सर, रॉन्ग टाइप हो गया, ओके। अब मुझे आप इनके फादर का नाम बताएं, इनका फादर के क्या नाम था, फिर आप मुझे इनकी मदर का नाम बताएंगे, इनकी मदर का क्या नाम था, जल्दी से बताएं सर, रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं है, रॉन्ग हो गया। जी हाँ, इनके फादर का क्या नाम था, जल्दी बताएं, गोविंद चंद्र दत्त, ये इनके फादर का नाम था बेटा ना। किसी का जवाब नहीं आया अभी तक मेरे पास, गोविंद चंद्र दत्त नाम था, किसी का भी नहीं आया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद फिर देखिए, अब यहां से देखिए, इनकी मदर का अगर मैं आपसे नाम पूछूं तो मदर का नाम ध्यान से देखना, इसका क्या था मदर का नाम, मोनी दत्त, क्षेत्रा मोनी दत्त, लो बेटा, ठीक है, ये इनकी मदर का नाम था। दोनों ही क्या थे, ये भी राइटर थे, लिखते थे कुछ ना कुछ। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। अब आ जाओ, चले आगे। इसके बाद देखो, हर कजन रमेश चंद्र दत्त वॉज ऑल्सो ए राइटर, वॉज ऑल्सो ए राइटर,
एंड सिविल सर्विस सर्वेंट। तो ये वाला नाम भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, लक्ष्मण भी लिखा था इन्होंने, सही बात है। सिविल सर्विस सर्वेंट थे कौन, इनके कजन थे रमेश चंद्र दत्त थे, गोविंद चंद्र दत्त इनके फादर का नाम था, बिल्कुल सही बात है। प्रॉपर तरीके से और दे, जल्दी जल्दी सेंड करें। चलिए आगे बढ़े, एक मिनट रुको भाई। कजन, तो यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। सर कलाम दास की माई स्टोरी में आपने चुकाया और बुक में 1965 ऐसे कैसे है भाई, 1976 लिखा है तो 1976 ही होगा 75, और बुक में कौन सी बुक में है अंतिमा जांगड़ जी एक बार बताएं, हम वेरीफाई कर लेंगे, एक बार रिचेक कर लेंगे हम, उसके बाद आपको ये डाटा दे देंगे, क्योंकि मिस्टेक हो सकता है हमसे भी हो सकता है जब तक। अब या तो वो देखेगी क्या लिखवाया हमने, वो चीज़ देखना पड़ता। चलो आगे बात समझ में। अब यहां से देखिए दूसरी बात, यहां पर एक बात और ध्यान से देखें, इनके जो पेरेंट्स थे, इनके जो फादर थे, इनके मम्मा ने तो अगेंस्ट किया था, लेकिन इनके जो फादर थे, इनके फादर ने एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, कौन से रिलीजन को, रिलीजन को कौन से, क्रिश्चियन को, क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लिया था 1882 में। चलिए बेटा बहुत बढ़िया बात, यहां तक की और कोई बात हो तो बताए। 26 ही है अंतिमा जी, देखिए मैं भी कोई नहीं बात करना चाहूंगा उसके अंदर, क्योंकि हो सकता है डाटा का है तो मिस्टेक, एक बार चेक ही करेंगे उसके बाद देखेंगे, जहां तक है मुझे सही लग रहा है। इससे बेटा 1862 के अंदर इन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था, है ना, इन्होंने 1862 में इसके पापा ने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था। दूसरी बात, इनकी मदर मना कर रही थी, नहीं जी हम तो नहीं बनेंगे क्रिश्चियन, लेकिन किसकी चलती है फिर, किनके आगे, इन गोविंद भाई साहब के आगे, गोविंद चंद्र दत्त के आगे किसी की नहीं चली। 1862 में इन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। सर आप कहाँ खो गए थे, मुझे आज आपका चैनल मिला है, विक्रम कांत जी आज ही मिला है, पब्लिक को आज तक भी नहीं मिला है, और इन बीपीएल से कह रहा हूँ बार बार सभी से कि इस चैनल को फैलाओ भाई, लोग पढ़े हुए हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि रवि आचार्य ने ईमानदारी से मेहनत करी है, और इस चैनल पे सेकंड ग्रेड के 30 बच्चों को लेके पढ़ा रहा हूँ बेटा, पेड भी नहीं वो भी फ्री में, उसके बावजूद भी तुम लोग पेड खरीद के बेटा यहाँ पढ़ रहे हैं, और वादा करता हूँ निराश नहीं करूंगा, अभी तक इनके क्वेश्चन शुरू करूंगा, मेरा थोड़ा सा मामला बैठ जाए एक बार, ये वॉचिंग एक बार सो जाए ना तो तुम्हें क्या ही बताऊं मैं यार, रीड की क्लास लिख लेते हो ना मेरी, वो लेकर देखना, वैसे आनंद की अनुभूति हो जाएगी क्लास में, पर एक बार 100 क्रॉस होना बड़ा जरूरी है, पर्सनल मेहनत करे, खुद मेहनत करे, इसको 100 क्रॉस करवाए एक बार, उसके बाद सारा का सारा मामला मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है फिर इस बात की कि आपके मार्क्स कैसे नहीं आते, मेरी गारंटी है सेकंड ग्रेड में आपको 2000 क्वेश्चन सोल्व करवाने की, सभी इंडियन राइटर्स के क्वेश्चन एक साथ सोल्व करवाने की मेरी गारंटी है, पर मुझे कम से कम इतनी एनर्जी तो मिलनी चाहिए ना कि मैं आपके लिए काम करूं यार। अब जैसे आज 15 मिनट क्लास लेट हो गई ना, तो क्यों, क्योंकि पता है कि तुम मेहनत तो करते नहीं हो, फिर क्या करे, अब पढ़ाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वचन दे दिया, और मेरा वचन ही है शासन, अब वचन दे दिया तो भाई साहब पढ़ाना तो पड़ेगा ना, पर इतनी भी ज्यादा हरकत ना करो बच्चे की, क्या हो जाए इसे, देखो सबके एक ना एक फ्रेंड अपने सब्जेक्ट में होता है, ये देखो बात ये कि मैं पैसों में कुछ नहीं पढ़ा रहा, लेकिन ये तो मैं बार बार तुम्हें कहूंगा ही कहूंगा, क्यों कहूंगा कि मेरा मन नहीं लगता 25 को पढ़ाने के अंदर, मैं उस एनर्जी से नहीं पढ़ा सकता जिससे मैं पढ़ाना चाहता हूं, तो यार आप कुछ ना कुछ जरूर करें, ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये बात पक्की बात के अपने दिमाग में डालकर बैठ ले, ऐसे तो फिर ये होगा कि मैं अपना पढ़ा तो रहा हूं पर फिर बेटा एक बार इसका फोकस चेक कीजिए, OBS निकाल के एक बार हमें दे दीजिए, ठीक है, तो सेकंड ग्रेड निकालो बस, कैसे निकालेंगे सेकंड ग्रेड, चलिए विक्रम सिंह जी ये रोज तुमसे यही बात बोला जाता है यार, मैं तो बोलते बोलते मैं पढ़ाना ही बंद कर दूंगा सेकंड ग्रेड को, बस बोल दिया मैंने। दत्त वॉज 6 years old
देन दत्त क्या थी, मात्र 6 साल की थी उस टाइम पे जब धर्म परिवर्तन हुआ। अब भेजो अपने अपने कमेंट जल्दी से। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, शाबाश। चलिए तो क्या ही करेंगे विजय जी, और कुछ नहीं हो। अब इसके बाद आ जाओ, मन ही जाना कहां चल गया। तो रुदत्त वॉज यंगेस्ट चाइल्ड। ये टोटल कितने चिल्ड्रन थे भाई, 3। ठीक है, पहला ये सबसे यंगेस्ट थी, आरुदत्त थी एक, आरुदत्त, और एक था अबजू, अबजू, और फिर क्या थी आपकी तोरुदत्त। ये 3 हो गए बाल बच्चे। लो भाई 3 बाल बच्चे हो गए। अरे तो विक्रम जी मैं अब कुछ नहीं बोल रहा, मुझे तो बात ही नहीं करनी तुम लोगों से, तुम पढ़ लो बस शांति से, पढ़ पढ़ा के तुम निकलो, और कुछ नहीं है। हो गए, फिर उनसे प्यार से बात करने से कोई मतलब नहीं है। चले आगे, अब आ जाओ। आरुदत्त एंड अबजू एंड तोरुदत्त, बिल्कुल समझ में आ गए अबजू, बहुत बढ़िया। अब देखो ये भाई भी टीबी से मरे थे, है ना। आरुदत्त अबजूदत्त दोनों ही किससे गए थे बेटा, टीबी से चले गए थे भाई साहब दुनिया छोड़ के। ये 1872 में इनकी डेथ हुई थी और ये 1865 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। अब आरुदत्त ये मात्र नहीं, जो अब जो आरुदत्त थी, आरुदत्त मात्र 20 ईयर्स थी जब इनकी डेथ हुई, तो ये कितनी ईयर्स की थी, 20 ईयर्स की थी आरुदत्त। और जो अबजू की हुआ तो ये 14 ईयर्स का ही था बेचारा, 14 साल का था ये। कमेंट करो जल्दी जल्दी से फटाफट। बात समझ में आ गई होगी यहां पर, अबजू 14 ईयर्स था और तोरुदत्त मात्र कितनी थी, 21 ईयर्स ओल्ड थी जब इनकी डेथ हुई थी, टीबी से डेथ हुई थी इनकी। क्या ऐसी हुई थी, टीबी थी। इतने छोटे क्यों मर गए थे लोग, इसलिए मर गए थे इनके खानदान में टीबी का होगा कुछ ना कुछ सिस्टम, तो सभी टीबी से, ये टीबी सारे टीबी से ले। अब देखो इधर, ये 1872 में देखो इनके घर वालों के लिए कितनी खतरनाक चीज थी, है ना। यहां से देखना, ये देखो रहा 1877 यहां पर देखो, जब सबसे पहले देखो 1865 में ये भाई साहब अबजूदत्त की डेथ हो गई, 1872 में आरुदत्त की डेथ हो गई, इनकी ट्विनिंग बहुत अच्छी थी दोनों बहनों की। 1877 में इसमें फिर तोरुदत्त की डेथ हो गई, ये 20 इयर्स की थी, ये 14 इयर्स का था, ये 21 इयर्स का था। कोई शेयर नहीं करेगा क्लास को, नोबडी विल शेयर द क्लास, ओनली क्लास लो पढ़ो और जाओ, ठीक है आ जाओ। तो यहां से बच्चे ये बात समझ में आ गई, यहां तक कोई किसी कोई और बात पूछनी है तो पूछ ले जल्दी से, नो प्रॉब्लम। चलिए चलिए चलिए, थोड़ा पानी पिला दीजिए। अब आ जाओ, इनके टीचर कौन थे, इंडियन क्रिश्चियन बाबू साहिब सुंदर, ये इनके टीचर थे, और इन्होंने इंग्लिश भी पढ़ी, फ्रेंच भी पढ़ी और संस्कृत भी पढ़ी। ये तीनों लैंग्वेजेज इन्होंने यहीं से कंप्लीट करी थी। एप का काम हो गया।
का। साइट नहीं मिली, साइट तो इसमें खुली हुई है। जो सोशल मीडिया जैसे अभी इंस्टा यूज करते हैं वो शेयर करो। अरे स्वाति जी कोई बात नहीं, कोई नहीं करो, तुम तो पढ़ो जाओ। चलो अब आ जाओ यहां पर, आगे बढ़ लो तुम तो। अब ये आपकी तौरुदत्त थी ना, तौरुदत्त, इन्होंने अच्छे तरीके से बाय हर्ट पढ़ा। इन्होंने बाय हर्ट किसको पढ़ा था इन्होंने? बाय हर्ट मिल्टन। मिल्टन में एक क्रिएशन था पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट ये था, और इसको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था तौरुदत्त ने, पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, क्रिएशनलिटी पे था ये पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। अब ये ट्रांसलेटर थी, तो इन्होंने कई सारी चीजों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, लिखा कुछ नहीं, ट्रांसलेट किया। कुछ कुछ इन्होंने फिर लिखा भी सही, कुछ कुछ इन्होंने फिर लिखा भी सही। ठीक है, ये कविता बेरवा जी, रेखा, स्वाति, विक्रम, आपके पास बुक पहुंची या ना पहुंची ये बता दो पहले तो मुझे, जल्दी से बताए कि आपके पास बुक पहुंची है या नहीं पहुंची है। बताओ जल्दी से, नहीं पहुंची तो मार्केट में जाइए बुक लीजिए, और नहीं वहां मिलती तो मैंने ऑनलाइन बताई है वैसे आप ले लीजिए। बिना बुक कैसे काम चल रहा, कैसे पढ़ोगे फिर? क्योंकि सारी की सारी चीजें यहाँ बोर्ड पे थोड़ी ना आ जाएगी, छोटी मोटी चीजें जो काम की है काम की नहीं है वो आपको पहुंचनी है। चलो तो भाई यहां से आ जाओ। इंडियन एंशियंट स्टोरीज फ्रॉम मदर, उन्होंने अपनी माता जी से ये सारी चीजें पढ़ी। जो प्राचीन कहानियां थी वो प्राचीन कहानियां इन्होंने यहां से पढ़ी है। बाय हर्ट क्या है? पैराडाइज लॉस्ट को बाय हर्ट निंगल गई, वो निंगल गई का मतलब पढ़ना, अच्छे तरीके से पढ़ा उसको, बाय हर्ट पढ़ा, दिल से पढ़ा, हर्ट यानी दिल। आगे बात समझ, और कोई बात है तो जल्दी बताए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ यहां से, काम की बात सुन लेते हैं। ओके सर, बुक मिल गई। विक्रम सिंह जी बहुत बढ़िया, बुक मिल गई, शाबाश। अरे सभी के पास बुक होनी चाहिए, जिनके भी ग्रेड सेकंड के, उस बुक को जल्दी से लेकर आओ, फिर उसे पढ़ना शुरू करो। ठीक है, डीपली पढ़ा था, बिल्कुल सही है, डीपली पढ़ा था। ये यूरोप में रही, टोटल इनके कितने इयर्स थे? यूरोप में रही, इटली में रही, जर्मनी में रही। ठीक है, और यूरोप में जब ये रही तो ये 4 इयर्स रही टोटल, 4 इयर्स, जिनमें से 1 ईयर की बात करूं अगर तो 1 ईयर इन्होंने लंदन में रहा, और यहां से अजबू की मौत के बाद पढ़ा था तोरु ने पैराडाइज लॉस्ट को। बिल्कुल अजबू की मौत के बाद पढ़ा था अनुकवर जी, एकदम सही कह रहे हैं। और बाकी भी कमेंट करा करे भाई, फोटो सेंड कर, सर व्हाट्सएप ग्रुप में बुक की फोटो सेंड कर देना। ओके जी, कर देंगे। और यहां से एक बार थोड़ा सा रुकिए, ये फ्रांस करें, और यहां इंग्लैंड में, इंग्लैंड में 3 इयर्स रही। यह भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि यूरोप में टोटल कितने साल रहे थे? ये यूरोप में टोटल रहे थे 4 इयर्स, 4 इयर्स में से 1 ईयर कहां रहे थे? ये फ्रांस में रहे थे, और 3 इयर्स कहां रहे थे? ये इंग्लैंड में रहे थे।
तो आपको ये सारी बातें भी ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी आगे काम चलेगा। विजय जी मिल्टन इंग्लिश पोएट है जो जॉन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखी थी उसने। अरे तो इतना सा तुम्हें पता होना चाहिए, तुम सेकंड ग्रेड के बच्चे हो गए के बच्चे हो रहे, मजे कर रहे हो क्या? मिल्टन जब इतना सा तो पता होना चाहिए, तुमने पढ़ा हुआ है। चलो आ जाओ, अब यहां से एक बात और ध्यान रख लेना। 1869 पे इन्होंने लेफ्ट कर दिया था, लेफ्ट किसको लेफ्ट कर दिया था? इंडिया को, इंडिया इन्होंने छोड़ दिया था 1869 में। 1869 में इन्होंने, कमेंट करेंगे तो पढ़ेंगे उस दिन, ध्यान ही रहेगा। चलो इसको लैंग्वेज में लिखूं क्या? इन 1869 लेफ्ट इंडिया, इंडिया छोड़ दिया था उन्होंने। और कहां चले गए थे ये सब? यूरोप चले गए थे। लेफ्ट इंडिया, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही जवाब आया है आपका, लेफ्ट इंडिया बिल्कुल सही है। चलो और यहां से एक बात और ध्यान रखना, जब इन्होंने 1869 के अंदर जब इंडिया इन्होंने छोड़ा तो तोरू दत्त की उम्र कितनी थी? तोरू वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, 13 ईयर्स ओल्ड। तोरू मात्र 13 साल की थी जब उन्होंने इसको छोड़ा था, छोटी सी उम्र में दुनिया घूम गई तोरू दत्त। 21 साल में तो इन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हम जैसों को पढ़ना पड़ता है इसको, और हम यहाँ मोबाइल नहीं छोड़ पाते। तो 21 साल की उम्र में इन्होंने ये काम कर दिया कि हमें यहाँ पर देख लो आज ये पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ, अब बात करते हैं इनके क्रिएशन की। क्रिएशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। नंबर वन, यहां से देखना, यहां पर देख लीजिए, ए शिप एसिफ ग्लेंड इन फ्रांस फील्ड। FIELD फील्ड कब लिखा था ये इन्होंने, इसका भी ध्यान रखना है। ये किसने प्रकाशित किया था? ये इन्होंने लिखा था एसिफ ग्लेंड इन फ्रांस फील्ड। कहां से प्रकाशित हुई थी इसका भी ध्यान रख लो, साप्ताहिक, साप्ताहिक सेम्बाद प्रेस से प्रकाशित हुई थी ये 1876 में, मतलब 77 में मर गई थी वो, और 1876 में पब्लिश हुई थी ये इनका पब्लिकेशन था बेटा, ये इनका क्या था? पब्लिकेशन था। बात समझ में आ गई? दूसरा, अगर पब्लिकेशन की बात करूं मैं आपसे, सबसे पहले इसी की बात कर लेता हूं। इट कंटेंस, अब देखो इसमें कितनी पोइम्स थी बताओ। इट कंटेंस, जल्दी से बताओ, 1876 इसमें कितनी पोइम थी? जल्दी से, 165 पोइम्स थी इनके अंदर, इन्होंने ट्रांसलेट किया था 165 पोइम्स को। बिनाका, बिल्कुल ये इनका नोवेल था, इन्हीं ले ऋषि की बच्ची, हाँ जी हाँ, बिनाका इनका नोवेल था, विक्रम सिंह जी जो इन्होंने लिखा था, एकदम सही बात है। ठीक है, अब यहां पर देख ले, मोस्टली ट्रांसलेटेड फ्रेंच इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था फ्रेंच में से, मोस्टली पोइम्स को 165 थी। बात समझ में आ गई? अब यहां से आपको एक बात और ध्यान देनी है, 165 में से इनकी जो सिस्टर थी उन्होंने भी ट्रांसलेट किया था, हर सिस्टर
ट्रांसलेटेड। ये भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि 165 पोएम्स में से उनकी सिस्टर ने कितनी पोएम को ट्रांसलेट किया था। अब बताओ जल्दी से इसका आंसर, जल्दी से, मैं तैयार हूं आपके कमेंट लेने के लिए। बताइए जल्दी से, शाबाश। तो यहां से आपका जवाब आना चाहिए 8 पॉइंट्स, और तोरुदत्त कंपोज्ड ए पोएम ए मॉन पियरे, ये पोएम का नाम था जो उन्होंने खुद ने भी लिखा था। सर कौन, क्या सेंचुरी बताना है क्या? 19 सेंचुरी हो गई है। ये तो इनका वो था, नोवेल था बेटा। ठीक है यहां तक। चलिए अब इनके नॉवेल्स की हम बात कर लेते हैं। बेनेका, कौन सा? बेनेका और द स्पेनिश, द स्पेनिश, ये इनका नॉवेल था बच्चे, याद रख लेना इसको, बेनेका और द स्पेनिश मैडम। दूसरी बात, और ये कब की बात है? 1878। इसका मतलब क्या होता है बेटा? था इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? ये जो वर्ड नजर आ रहा है इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, जल्दी से बताएं। सेवेंटी एंड आफ्टर डेथ, बिल्कुल सही है, आफ्टर डेथ यानी कि मृत्यु के बाद लिखा गया था, पब्लिश हुआ था ये। दूसरी बात, इसको नॉवल के बाद में तोरुदत्त को माना गया कंसिडर्ड फर्स्ट, ये इस नॉवल को फर्स्ट, यहां से फर्स्ट इंग्लिश नॉवल बाय एन इंडियन इंडियन वुमन राइटर, यहां लिख देता हूं, द नॉवेल वॉज कंसिडर्ड द फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश of an Indian writer। इस नॉवल को भारतीय महिला के लिखा, भारतीय महिला के द्वारा लिखा गया पहला नॉवल माना गया इन्होंने। संगीत इन्होंने लंदन में संगीत शिक्षा दी थी। लीति भाई तो लंदन में रही थी एक साल। तो 1878 में। इसी के साथ आपको एक और ध्यान रखना है, एक और इनका नोवेल था 1879 में। बताओ कौन सा था 1879 में, कौन सा था? और ये भी सेम था आपका, ये इसके बारे में याद रखना है, द फर्स्ट नॉवेल इन फ्रेंच बाय एन
इंडियन राइटर। यह नॉवल ले जर्नल डे मेडे मोसिले डी आवर्स, ये एक ऐसा नॉवल था जो पहला द फर्स्ट नॉवल इन फ्रेंच लैंग्वेज का ये पहला नॉवल था इंडियन राइटर के द्वारा लिखा गया था। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। बात समझ में आ गई यहां तक की? कोई आपत्ति हो तो बताए, नहीं आपत्ति? चलो इसके बाद फिर आप थोड़ी सी एक चीज और ध्यान रखेंगे। 1882 वही सेम पोस्थ्यूमस मरण उपरांत लिखा गया था एंशियंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। लो भाई ये भी मरणोपरांत लिखा गया था 1882 में पोस्थ्यूमस मतलब मरणोपरांत की बात चल रही है। ठीक है, यहां तक की बात समझ आ गई सभी की? कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। बहुत बढ़िया, द फर्स्ट नॉवल, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको याद रखना है कुछ क्रिएशन, द लोटस, फिर याद रखना है सीता, फिर याद रखना है आर कैजुअलिटी, ठीक है, ये इनके कुछ आपके और कैजुअलिटी, बिल्कुल सही है। तो आपको ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, द लोटस इनका था, सीता और कैजुअलिटी, 1882 में मरणोपरांत लिखा था एंशियंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंशियंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान कब लिखा गया, 1882 में लिखा गया। इसके बाद दोस्तों वीडियो लिख कीजिए, ओके जी। इसके बाद द नॉवल वॉज कंसिडर्ड, कौन सा ये नॉवल जो बिनेका नॉवल था, ये नॉवल को ऐसा माना गया था कि द फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश बाई एन इंडियन राइटर, एक इंडियन राइटर के लिखा गया पहला नॉवल था ये, ऐसा इसको माना गया। और एक नॉवल जो मैंने आपको बताया था ये रहा, कौन सा, जो 1879 में लिखा गया था, ये पहला फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया नॉवल था। बात समझ में आ गई हर सिस्टर? 8 पॉइंट्स यहां पर देखिए, एसीफ ग्लिंड ग्लिंड इन फ्रेंच फील्ड साप्ताहिक से प्रेस से 1876 में इसे पब्लिश किया गया, 165 पॉइंट्स थे इसके अंदर, फ्रेंच लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में किया गया, उसकी सिस्टर ने 8 पोइम को ट्रांसलेट किया था, तोरुदत्त ने खुद ने एक पोइम कंपोज करी थी एमोन पेरे के नाम से और बाकी सबको उसने किया था। कैजुअलिटी एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, क्योंकि ये पोइम आपके उसमें नहीं आएगी, आपके केवल राइटर्स के क्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें, ये अपने जो भी बचपन इनका बीता था अपने भाई के साथ अपने बहन के साथ उसको इसने बताया है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया मरणोपरांत लिखे गए थे, मरणोपरांत सारे मरणोपरांत लिखे गए हैं, ये 77 में डेथ हो गई थी तो 1878 वाला मरणोपरांत है, इसके बाद 79 वाला मरणोपरांत है, 88 वाला मरणोपरांत है, सारा ही मामला मरणोपरांत हुआ है यहाँ पे। फिर इसके बाद इंडियन एंशियंट स्टोरीज फ्रॉम अवर मदर से सीखा, यूरोप में इनके 4 साल खत्म हुए, 1 साल फ्रेंच में रहे, 3 साल ये इंग्लैंड में रहे, 69 के अंदर इन्होंने छोड़ दिया था, जब 13 साल की थी मात्र इन्होंने इंडिया को छोड़ दिए थे। इसके बाद एसीएफ ग्लैंड यहाँ से हो ही गया, रुको रहे, इसके बाद यहाँ आ जाओ, दत्त सबसे यंगेस्ट थी, 3 थे टिंगर, आरजू दत्त, अब्जू दत्त, तोरू दत्त, इनमें से भाई साहब सब टीवी से मर गए थे, 1872 में इनके घर वालों के ऊपर क्या बीती होगी, 1865 में एक बेटा मर गया, 1872 में फिर बेटी मर गई, 1877 में फिर एक बेटी मर गई, और सब सब टीवी से मेरा बड़ा दुख की बात है। टीचर थे कि इंडियन क्रिश्चियन टीचर था बाबू साहेब चंडर जी, इंग्लिश फ्रेंच और संस्कृत सब इन्होंने, तीनों भाषा इन्होंने पढ़ाई थी। फिर यहाँ पर देखो 30 अगस्त 1870 इनकी डेथ हो गई थी, इनके बापू का नाम ये था, ये सारी बता दिया, कल और फिर एक नया राइटर को चेक करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, ऐश करेंगे और क्या। और दूसरी बात ध्यान से सुन लो, दूसरी बात और ध्यान से सुन लो, रिटन बाय हीरा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरी बात एक ध्यान से सुन ले कि इस क्लास को भाई शेयर किया करें, लोगों को इसके बारे में बताया करें,
वरना मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये जब तक 100 बच्चे नहीं आ जाते जब तक मामला सेट बैठेगा नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें और अपने आसपास के मोहल्ले में पड़ोसी या पड़ोसन हो उसको कहे भाई लाइव पढ़ाकर मजे से, ठीक है। और बुक सबके पास होनी चाहिए, जिसके पास अपने मार्केट में बुक मिल जाए तो ठीक है, नई बुक मिल रही तो। कल मैंने एक वीडियो बनाया था 2-5 मिनट का, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, उस वीडियो को देख ले, वीडियोस के सेक्शन में आपको वो मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।